indefinite integration. Indefinite integration represents indefinite integration represents family of curves. Family of curves represent karta hai. जैसे ये फैमिली क्यों, फैमिली इसलिए क्योंकि एक फैमिली के जो लोग होते हैं उनमें कुछ कॉमन ट्रेट होते हैं ना, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं. तो यहाँ पर भी ऐसे ही है. बहुत बेसिक बात देखो, 2x जो है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस सी. और उन फैमिली मेंबर्स में खास बात क्या होगी, जैसे x स्क्वायर प्लस सी है, पैराबोला है, इवन फंक्शन है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है ना. बनाओ ये एक्स स्क्वायर प्लस सी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सी, इस तरह के अलग अलग पैराबोलाज आ जाएंगे जो सारे इवन फंक्शन होंगे, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होंगे. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा, है ना. 2x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस सी. तो द कॉमन थिंग, जो कॉमन चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस सी जो फंक्शंस है उनमें जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि अगर इन में से किसी एक को पकड़ के अपन ने डिफरेंशिएट किया तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 2x आएगा. यही तो बात है. क्या बात है, इन सभी में खास बात क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस सी में से किसी को भी आप ले लो, उसको डिफरेंशिएट करोगे, हमेशा क्या आएगा, 2x. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रेंड आता है, जो इंटीग्रेशन आता है, सॉरी इंटीग्रेंड तो ये इंटीग्रेशन जो आता है उनमें से कोई भी फंक्शन ले तो उसका डेरिवेटिव इज ऑलवेज सेम, ठीक है. तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज सेम मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज सेम. डेरिवेटिव का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो बना लीजिए एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए, और ये पर्पल ग्राफ पर ब्लू टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए. और इन सभी टेंजेंट्स को पैरेलल पैरेलल दिखाना है अपने को ना, क्योंकि स्लोप सबका सेम है, ठीक है. एक गिवन एक्स के लिए, एक्स इक्वल टू जो भी आपकी पसंद हो, एक्स इक्वल टू 1 ले लो, एक्स इक्वल टू 2 ले लो, डिफरेंशिएट करने पर एक्स की वैल्यू मान लो आपने 1 ले ली, तो कोई भी फैमिली मेंबर को डिफरेंशिएट करके जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो सेम आएगा, ठीक है. सो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स. उन फैमिली मेंबर्स में खास बात क्या है, टेंजेंट लाइन एट गिवन एक्स इज सेम, इज पैरेलल. लिख लो, टेंजेंट लाइन एट गिवन एक्स पैरेलल. टेंजेंट लाइन्स एट गिवन एक्स पैरेलल. एक गिवन एक्स पर जो टेंजेंट लाइंस आएंगी वो पैरेलल आएंगी. अब यहाँ तक कोई डाउट, देख लो अगला टाइटल है डिफरेंशियल. डिफरेंशियल अभी मैं बात कर ही रहा था, बस अभी इंट्रो इंट्रो चल रहा है अभी, है ना. सवाल अपन चालू करेंगे अभी थोड़ी देर में, इंट्रो चल रहा है अभी. सो डिफरेंशियल जो एक अहम पार्ट है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू 10x, ठीक है, कन्वेंशन है ना. हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, कन्वेंशन क्या है. तो अगर वाई 10x है तो बच्चा बच्चा जानता है ना, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स. सही, यहाँ तक तो, यहाँ तक की कहानी तो अपने को पता है ना. अब इसमें अपन ने क्या किया, डी एक्स को है ना उधर उचका दिया, डी वाई इज इक्वल टू, येस यू कैन से कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि हाँ आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स अपने आप में एक रेशियो होता है
है ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो आपने क्या किया, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस बात को लिख लो, डी वाई इज इक्वल टू आ रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटे जैसे है ना डी एक्स होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना डी एक्स क्या होता है आपका डिफरेंशियल ऑफ एक्स, क्या है डी एक्स आपका डिफरेंशियल ऑफ एक्स, बिल्कुल उसी प्रकार से आपका डी वाई क्या है डिफरेंशियल ऑफ वाई। ठीक है ना, आपका डी वाई क्या है डिफरेंशियल ऑफ वाई। और जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये तो लिखा था वाई इज इक्वल टू टेन का मतलब क्या है, वाई इज इक्वल टू कोई फंक्शन टेन के अपने आप में फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर आपने अब डिफरेंशिएट किया तो आपको किस प्रकार का दिखाई देगा, डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स, सही कह रहा हूँ भाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा एफ डैश, डी एक्स उधर चुका दिया तो डी वाई कितना आ गया एफ डैश एक्स डी एक्स। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस प्रकार के फंक्शन का डिफरेंशियल क्या आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स। इसको हाईलाइट कर लो, f का डिफरेंशियल क्या है एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ का डिफरेंशियल क्या है एफ डैश एक्स डी एक्स। और कई बार इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं डी एफ एक्स, कई बार डिफरेंशियल ऑफ y को जैसे लिखते हैं डी वाई, एफ एक्स के डिफरेंशियल को कैसे लिखेंगे डी एफ एक्स, एक्स के डिफरेंशियल को कैसे लिखेंगे डी एक्स। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही ना। अब आप सोचिए यहाँ से ना ये चीज़ कैसे आई, तो आपने क्या किया डी एफ एक्स जो लिखा था आपका डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, इसमें आपने डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्लियर है क्या, क्या किया अपन ने डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ताकि ये जो पिक्चर है यहाँ से यहाँ तक की पिक्चर, इसको क्या बोल देंगे अपन एफ डैश, ये आ जाएगा एफ डैश डी एक्स। क्लियर है, ठीक है। एक चुन्नू मुन्नू सवाल, ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए बेसिकली कि हाँ इसका उपयोग या प्रयोग बोलेंगे, उपयोग ही बोलेंगे मेरे ख्याल से, उपयोग है ना, उपयोग कहाँ पर होगा, इसका यूज़ कहाँ होगा, क्या आएगा आंसर, साइन साइन एक्स स्क्वायर। अगर कॉज एक्स स्क्वायर किसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सोचो क्या कह रहा है ये, व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट डज दिस थिंग मीन्स, है ना, इसका मतलब ये कि किसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर कि हमें कॉज एक्स स्क्वायर मिल जाए, जाहिर सी बात है साइन एक्स स्क्वायर, है ना, लिख लो साइन एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी सोच सकते हो आप, है ना, इसको ऐसे भी एग्जामिनर हमें लिख करके देख सकता है कॉज एक्स स्क्वायर। और बेटे डी एक्स स्क्वायर एक्चुअली में कितना आएगा, डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है टू एक्स डी एक्स। तो ऊपर वाली फोटो को बिल्कुल ऐसे भी टांगा जा सकता है, डी एक्स स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है 2x dx, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। प्लीज राइट डाउन, लिख लिए, चलो थोड़ा सा बड़ा सवाल कर देते हैं इसको, 10x की पावर 20 डी 10x टेन एक्स की पावर 20 डी टेन एक्स क्या होगा, भाई वाई की पावर 20 डी वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा है वाई की पावर 20 डी वाई, कितना जाएगा वाई की पावर 21 अपॉन 21, है ना, लिख लो इस बात को, टेन एक्स की पावर 21 डिवाइडेड बाय 21।